अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी चनों वाले चावल की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल लिए हैं। इन्हें मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगो दिए हैं। 5 घंटे के लिए मैंने पहले चने भिगो के रख दिए थे और तकरीबन 30 मिनट का मैंने प्रेशर लगा के इन्हें अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। इसमें मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 11 से 12 हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। 1 प्याज ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। क्योंकि मैंने चनों में पहले सॉल्ट यूज़ किया था इसलिए मैं यहाँ पे कम सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। बाकी मैं हसबे जायका चेक करके यूज़ कर रही हूँ। 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। ये गर्म हो गए हैं, इसमें प्याज डाल दूँगी मैं और इसे अच्छी से फ्राई कर लूँगी। ये भी लाइट ब्राउन कर गया है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर दूंगी। सारे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सूरज मिर्च और नमक और बॉईल किए हुए चने और इसे अच्छे से भून लो। ये भून चुके हैं तकरीबन 5 मिनट में। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लूँगी। 4 कटोरी चावलों की थी, उसके अंदर मैं 7 कटोरी पानी ऐड करूँगी। और इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे पकने के लिए रख दूँगी। अब आप इसके अंदर इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसका नमक कम हो तो आप इसके अंदर और पानी इसका बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे और इसे अच्छे से हिला दूंगी। इसका पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे दम पे रख देंगे। अब मैंने इसे दम पे रख दिया तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। पूरे 25 मिनट बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और चने वाले चावल बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखें, चनों की पुलाव बनके तैयार हो गई है। इसके साथ मैंने दही वाला रायता बनाया है। इसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया और नमक ऐड करके उसे ग्राइंड कर लिया था। फिर इसे मैंने दही में मिला के मिक्स कर लिया है। चने वाले चावल की मैंने आपको आसान रेसिपी बताई है आज और ये इतने मज़े और स्पाइसी के बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह।